हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिक्स एनसीईआरटी इंग्लिश की चैप्टर वन का पोएम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर वन था हु डिड पैट्रिक होमवर्क, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर वन का पोएम क्या है, अ हाउस अ होम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड होम एंड अ होम। अब तुम जो एक आपने सुना होगा हाउस होता है, एक होम होता है, तो एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है, डिस्कस इट विद योर पार्टनर। इसको आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है, देन रीड द पोएम, उसके बाद आपको पोएम को पढ़ना है। व्हाट इज अ हाउस, एक हाउस क्या है, इट हैज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। एक घर क्या होता है, इट हैज ब्रिक एंड स्टोन, घर जो है ब्रिक और स्टोन का बना होता है, एंड वुड दैट्स हार्ड, और वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, दैट्स हार्ड, जो कि बहुत हार्ड होती है। सम विंडो ग्लास, वे कंटिन्यू है, इट हैज ब्रिक, इट हैज विंडो ग्लास, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक घर में और क्या होता है, ग्लास की विंडोज लगी होती हैं, एंड परहैप्स अ यार्ड, शायद उसमें एक यार्ड मतलब, और शायद यार्ड मतलब होता है आंगन, और घर में क्या होता है, आंगन होता है। इट्स एव्स, इट हैज एव्स एंड चिमनीज, इसमें जो होती है एव्स होती हैं, एव्स मतलब क्या होता है, एव्स मतलब होता है छज्जा, ठीक है, छज्जा, एंड टाइल फ्लोर्स, और जो टाइल लगी होती है फ्लोर्स पे क्या होता है, टाइल लगी होती है, एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, स्टुको मतलब प्लास्टर, और उसमें क्या होता है, प्लास्टर लगा होता है, और छत होता है, एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे डोर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक घर क्या होता है, उसमें ब्रिक, एक घर में ब्रिक लगा होता है, स्टोन लगा होता है, कभी कभी लकड़ी, हार्ड वाली लकड़ी लगी होती है, कुछ ग्लास के विंडोज होते हैं, और शायद एक आंगन होता है, इट्स एव्स, उसमें जो छज्जा लगा होता है, और चिमनी रहती है, और टाइल के फ्लोर लगे होते हैं, मतलब फ्लोर जो है, फ्लोर पे टाइल बिछा होता है, और प्लास्टर होता है, और रूफ होता है, और लॉट्स ऑफ डोर, उसमें बहुत सारे डोर होते हैं। हम देखते हैं ये जो छज्जा क्या होता है, तो दोस्तों ये जो होता है यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये क्या, इसको छज्जा बोलते हैं, ईव्स, क्या, ईव्स। ठीक है, जो घर के बाहर निकला होता है, जैसे आपका घर ऐसे बना रहेगा, और यहाँ पे देखो ऐसे निकला रहता है ना, बट से ये चीज, ये पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं ईव्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये घर है, ये देखो यहाँ पे क्या है, आपका रूफ है, अब यहाँ पे जो बाहर का पार्ट निकला हुआ है, ये चीज है हमारा क्या, एप्स, यानी कि छज्जा। ठीक है, और चिमनी क्या होते हैं, नॉर्मल जैसे घर बना, देखो यहाँ पे चिमनी है, जैसे चिमनी घर, नॉर्मली एक देख लो, एक हाउस क्या होता है, एक हाउस ऐसा होता है जिसमें जो की ईट और ब्रिक का, ब्रिक और स्टोन लगे होते हैं, जिसमें कुछ लकड़ियां लगी होती है हार्ड वाली, और जिसमें विंडोज लगे होते हैं ग्लास के, मतलब विंडोज लगे होते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं, लकड़ियों के भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ डोर होते हैं, और रूफ होता है, और फ्लोर पे टाइल लगा होता है, ये क्या होता है, हमारा हाउस होता है। तो हमने हाउस देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं होम क्या होता है, व्हाट इज होम, एक होम क्या होता है, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इज लविंग एंड फैमिली, यानी एक इसमें एक फैमिली होती है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, लव करते हैं, एंड डूइंग फॉर अदर्स, डूइंग फॉर अदर्स मतलब एक दूसरे के लिए करते हैं, एक दूसरों का केयर करते हैं, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स, इसमें ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, फादर और मदर होते हैं, इट्स यूजफुलनेस एक्ट, इट्स अनसेल्फिश एक्ट का मतलब, यहाँ पे कोई मतलब के लिए नहीं रहता, मतलब के लिए काम नहीं करता, जैसे कि अभी सपोज आपको बुखार आ गया, तो मम्मी क्या करती हैं, सब आपको ट्रीटमेंट के लिए हर चीज़ काम करती, पापा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हर काम करते हैं, आपसे कोई सेल्फ, उनके मतलब कुछ चीज़ स्वार्थ बस नहीं करते, बिना किसी सेल्फिश के करते हैं, इसीलिए उसको बोला गया होम में क्या होता है, इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग, काइंडली शेयरिंग मतलब चीज़ों का शेयर करते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, खाने की चीज़ या अदर जो चीज़ें होते हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, एंड शोविंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग, यानी एक जो होम होता है इसमें हमेशा जो है कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, शोविंग योर लव्ड वन एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग, और आपका हमेशा यहाँ इसमें होम में जो है केयर किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हाउस क्या होता है, हाउस हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसमें ब्रिक होता है, स्टोन होता है, लकड़ियाँ रहती हैं, उसके बाद प्लास्टर, स्टुको प्लास्टर रहता है, और रूफ रहता है, लॉट्स ऑफ डोर रहते हैं, विंडोज रहती हैं ग्लास की, और यूज रहते हैं, और क्या बोलते हैं, टाइल लगा, मतलब फ्लोर पे टाइल लगा होता है। ठीक, तो होम क्या होता है, इट्स लविंग एंड फैमिली, होम में एक दूसरे से सब प्यार करते हैं, फैमिली होती है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए रहते हैं, उसमें एक दूसरे का हेल्प करते हैं, काम करते हैं, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, में भाई और बहन रहते हैं, फादर और मदर रहते हैं, मतलब लोग एक दूसरे के लिए इसमें अनसेल्फिश एक्ट करते हैं, अनसेल्फिश काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ बस काम करते हैं, एंड काइंडली शेयरिंग, और चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एंड शोविंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा जो है अपने प्यार का जो मतलब जो लव्ड होते हैं, एक दूसरे सब लव करते हैं, और उनका हमेशा केयर करते हैं।
इसको किस राइटर ने लिखा है, लरेन एम हल्ले, ठीक है, लरेन एम हल्ले।